78,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज मिलने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या 37,69,000 के पार हुई। मौत का आंकड़ा 66,000 के ऊपर पहुंचा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कोरोना पॉजिटिव होने के बाद आइसोलेशन में गए, संपर्क में आए लोगों से जांच करने की अपील। चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जीएसटी के बकाया भुगतान के लिए पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखी। आईटी मामलों की संसदीय समिति के सामने फेसबुक इंडिया के नुमाइंदों की पेशी से ठीक पहले आई मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को चिट्ठी लिखी। फेसबुक स्टाफ पर बीजेपी समर्थित पेज को डिलीट करने और पीएम मोदी को अपशब्द कहने का आरोप। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व सीएम जीतन राम मांझी फिर एनडीए की शरण में पहुंचे। लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए से अलग हुए थे। राजौरी में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत पाकिस्तान के बीच भीषण गोलीबारी, भारत का एक जूनियर कमीशन्ड अफसर शहीद। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद डॉक्टर कफील खान को देर रात मथुरा जेल से रिहा किया गया। कफील बोले, शुक्र है कि एसटीएफ ने हत्या नहीं की। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने पुलिस को दिए गए बयान में माना, साल 2013 से ही मानसिक तौर पर ठीक महसूस नहीं कर रहे थे उनके भाई। असम में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ फिर विरोध प्रदर्शन तेज किया। डिब्रूगढ़ में मशाल जुलूस। और 2008 की वैश्विक मंदी को मात देने वाली ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था ने कोरोना महामारी के आगे घुटने टेके। दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था 7% तक सिकुड़ी।